हेलो थ्रियन पैम, फटाफट से तुम्हारे पास जो फायर स्प्रिट ब्लड है उसको तुम अब्सॉर्ब करो, क्योंकि उससे तुम्हारी पावर बढ़ने पैन की पावर जो कि 3 स्टार सावरेन लेवल पर थी और वो अपनी पावर के साथ 5 स्टार तक फाइट कर सकता था। यहाँ पे वो भी थोड़ा सा हेल्पलेस और वीक फील कर रहा था। साथ ही उसने अपनी क्विचेनो का भी काफी ज्यादा यूज किया था, जिसके कारण उसकी बेंस में भी दर्द हो रहा होता है। और इससे पहले कि अपना टर्की कोई रिकवरी पिल खा पाता, जोयान के चेहरे पे अचानक ही एक बहुत बड़ा पीला पना आ जाता है और उसकी आंखों के सामने तुरंत ही अंधेरा हो जाता है और जोयान के पैर लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि जोयान काफी थक गया था। और इससे पहले कि जोयान थोड़ी सी भी पावर हासिल कर पाता कि अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है और एक ब्लैक शैडो जोयान की तरफ ब्लाइटिंग स्पीड के साथ बढ़ती है और उसका पंच जोयान से टकराने ही वाला था कि जोयान जो कि बेहोश होता है, होश में होता लेकिन आंखें बंद होती हैं, वो भी इसे फील कर लेता और बड़ी मुश्किल से लेफ्ट की साइड लुढ़क कर उस अटैक से बचता है। और उसके बाद वो जगह जहाँ पे जोयान पिछली बार लेटा हुआ था वहां पे 2 ब्लैक होल क्रिएट हो जाते हैं उस वुल्फ के पंजों के कारण। हालांकि इस टाइम पे जोयान को इसके अटैक से घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर जोयान अपनी नॉर्मल पावर में होता, लेकिन जोयान इस टाइम पे काफी ज्यादा वीक था और अपनी वीक पावर के साथ तो वो डाउडी लेवल के बॉरियर को भी नहीं हरा सकता था, क्योंकि उसके पास उंगली हिलाने तक की ताकत नहीं थी। हालांकि यहाँ पे ब्लैक वुल्फ भी काफी हैरान होता है कि उसका अटैक डॉच कैसे हो गया, इसीलिए वो पावरफुल रोर करता है और इसके बाद जोयान की तरफ देखता है और क्रुएल्टी से जोयान की तरफ बढ़ता है। और इस टाइम पे तो जोयान भी हांफता हुआ जमीन में पड़ा हुआ होता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इतियान चैन उसे ऐसी चीजों में फंसा देंगे। इस टाइम पे ब्लैक बुल्फ का मुंह जोयान को बस फ्रेंच किस देकर काटने ही वाला था कि तभी जोयान की हार्ट बीट बढ़ जाती है और इसके बाद उसका मन भागने का होता है, लेकिन जोयान भागता नहीं और जड एलिमेंटल बीड को निकालता है जो कि उसे मैनली से प्राप्त हुआ था। हालांकि तभी तियान चैन हंसते हैं और उनकी वॉइस जोयान के कान पे पड़ती है, जिसके बाद वो कहते हैं, छोटे साथी याद रखो, अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही घिरे हुए हैं तो भले ही आप सभी एनिमीज को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का यूज कर लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए ताकि आपके पास बची हुई अनएक्सपेक्टेड चीजों से निपटने की पावर बची रहे, वरना आप कब थक जाएंगे और कब आपके एनिमी आपके सामने अपेयर हो कि आपको मार देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि इतियान चैन उन्होंने ये हंस के कहा होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सीरियस वर्ड थे और इनमें एक चेतावनी जैसा निशान भी था। और उनकी वॉइस के साथ ही जॉन ने फील किया था कि उसके सामने का जो ब्लैक बुल्फ था वो धीरे धीरे फॉग में बदल कर गायब हो गया था, जिसके बाद जियान सीरियसली अपना सिर हिलाता है, क्योंकि जोयान के पास भी बैटल का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था और वो इन चीजों को अच्छी तरीके से जानता था। हालांकि जब जोयान इस ग्रेट वर्ल्ड पर आया तो उसकी पावर और पोजीशन पे काफी बड़ा अंतर आया था, जिससे तो जोयान खुद चौंक गया था। और इस टाइम पे जोयान को पता था कि उसके साथ क्या होगा और क्या नहीं, ये सब इतियान चैन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये उनका रियल अम है और आखिरकार वो सुप्रीम सेंट लेवल के वॉरियर है। हालांकि ये बात तो थी, लेकिन अभी भी जोयान इतियान चैन के लिए बिल्कुल भी अपने दिल में शक नहीं रखता, क्योंकि जोयान को पता था कि अपने बीच की पावर के डिफरेंस को देखते हुए अगर वो जोयान को मारना भी चाहता है तो जोयान सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी अभी तियान चैन उन्होंने जो कहा था वो सुनकर जोयान काफी शॉक हो गया था। साथ ही उनकी बात जोयान को बिजली के झटके की तरह लगी थी और जोयान जानता था कि वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो उसका लक उसके हाथों में ही है। जिसके बाद जोयान अपने पंच को क्रिएट करता है और एक गहरी सांस लेता है और अपनी सोल को धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। साथ ही जोयान न केवल अपनी सोल पावर को रिकवर कर रहा था बल्कि अपनी सावरेन लेवल के ओरे और उसके बाइल्ड पावर को भी अब्सॉर्ब कर रहा होता है। ये कुछ ऐसा था कि जैसे जोयान को एक बार फिर से पुनर्जन्म मिल गया हो। और इस टाइम पे जोयान ने उस थॉट के साथ पूरी तरीके से अपने आप को इस ग्रेट वर्ल्ड के हिसाब से क्रिएट कर लिया था और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर लिया था, क्योंकि इतियान चैन के वर्डों ने जोयान की मेंटल स्ट्रेंथ को और उसकी सोच और समझ को इस एरिया के बारे में एक नई लेवल पर पहुंचा दिया था। और अपनी स्टेट ऑफ माइंड उसमें चेंज के बाद जोयान धीरे धीरे खुद को शांत करता है और वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे लौट आता है। और इस टाइम पे इतियान चैन जोयान को देखकर कुछ देर के लिए कुछ फील करते हैं और इसके बाद स्माइल करते हैं और चाय की जिप पे जिप लगाते हैं। साथ ही वो खुद से ही कहते हैं, ये तो और भी अच्छा है, एक रियल एक्सपर्ट न केवल अपनी लाइफ को कंट्रोल करता है बल्कि वो दूसरों की लाइफ को भी कंट्रोल करता है। और इतना कहने के बाद इतियान चैन खुद पे ही हंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता था दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना तो काफी आसान है लेकिन खुद की लाइफ को कंट्रोल करना काफी ज्यादा हार्ड। और एक सुप्रीम सेंट लेवल के वॉरियर होने के बाद भी वे अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसके बाद वो थोड़ा सा उदास होते हुए एक गहरी सोच में डूब जाते हैं और इसके बाद वो जगह शांत हो जाती है और जोयान वही व्हाइट जेट की बोतल निकालता है जो कि इतियान चैन ने उसे दी थी। इस टाइम पे इतियान चैन ने जोयान को बताया था कि उसका जो फ्लेम मंत्रा है वो अभी भी काफी हद तक लिमिटेड है, लेकिन अगर जोयान को एक और एम्परर फ्लेम मिल जाती है तो उसका फ्लेम मंत्रा एक बार फिर से अपग्रेड हो सकता है। हालांकि उसकी कैओस ग्रेट एम्परर फ्लेम या कि मोनार्क फ्लेम को 3000 लाइटिंग मोनार्क फ्लेम बनाने में लगभग 1 साल का टाइम लगने वाला था। मुझे एक चीज बता दो, मैं मोनार्क फ्लेम बोलूं या कि एम्परर फ्लेम, क्योंकि मैं आप लोगों की कंफ्यूजन के लिए दोनों ही नाम बोल देता हूं, तो कमेंट करके मुझे बता देना कि क्या बेटर लग रहा है, मोनार्क फ्लेम या कि एम्परर फ्लेम।
इस टाइम के दौरान जॉन केवल इतना ही कर सकता था कि अपनी पावर को जितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता था उतना ज्यादा बढ़ाया जाए और अपने फ्लेम मंत्रा के लिमिटेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दे, कम कर पाए। हालांकि इस टाइम पे जॉन जैसे ही जेट की बोतल देखता है तो उसके अंदर के फायर एनर्जी से जोयान भी थोड़ा सा जलन फील कर सकता था, जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने ऊपर की साइड को उतारता है और उसकी बॉडी जो कि पतली थी लेकिन स्ट्रांग थी दिखाई देती है और एल्डर ई के गाइडेंस के साथ जोयान उस ब्लड लिक्विड को अपनी बॉडी पर डालता है और अपने पेट में लगाता है। और जैसे ही वो लिक्विड जोयान के स्किन को टच करता है तो जोयान के पेट के निचले हिस्से में जलन होने लगती है और काफी ज्यादा पेन होने लगता है और जोयान की पूरी ही जो स्किन होती है वो ब्लड रेड होने लगती है, यहाँ तक कि जोयान को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चाकू से उसके दिल को काट रहा हो, इतना ज्यादा पेन उसे हो रहा था। इस टाइम पे जॉन अपने दांतों को कसकर बंद किया हुआ होता है और जबरदस्ती इस पेन को झेल रहा होता है। हालांकि काफी टाइम बाद ये पेन धीरे धीरे कम होने लगता है और उसी टाइम पे डेंटियन के भीतर ओरिजन कोई पागलों की तरह उछलने लगती है और जॉन की जो ओरिजन चेन्स होती हैं वो भी आपस में साउंड कर रही होती है और जॉन की ओरिजन कोई जो की ओरिजन क्रिस्टल के अंदर थी उससे भी भिन विनाट की आवाज सुन सकते थे कोई भी। इस टाइम पे जॉन अपनी रुकी हुई ओरिजन चेन्स को फील कर सकता था जो की धीरे धीरे ओरिजन कोई के साथ मिक्स होकर बढ़ने लगी थी और इस इफेक्ट को फील करके जोयान थोड़ा सा खुश भी होता है और इसके बाद उस जेट की बोतल को स्टोरेज रिंग में डालकर मेडिटेशन की सील बनाकर बैठ जाता है और उसके चारों तरफ की ओरिजन को जोयान की बॉडी के अंदर घुसने लगती है और जोयान के बॉडी के अंदर के उस लिक्विड के कारण जैसे जोयान ने अभी बॉडी में डाला था ओरिजन को की जो इंप्योरिटीज होती है वो पूरी तरीके से हट जाती है और नेचुरल ओरिजन को जोयान की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और इस टाइम पे ओरिजन को जोयान का फ्लेम मंत्र जोयान के क्विफात मेरेडियंस और चैनल से सर्कुलेट कराने लगता है, जिसके बाद वो घूम फिर कर जॉन के ओरिजन क्रिस्टल में जाने लगती है और ओरिजन क्रिस्टल के रिफाइनमेंट के साथ उन्हें धीरे धीरे बढ़ रही कोई चेनों में डाला जाता है और इसके साथ ही साथ ओरिजन चेन्स धीरे धीरे आकार लेने लगी थी और जोयान का ऑरा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। और इस टाइम पे उसकी बॉडी की रेड कलर की लिक्विड को गायब होने के साथ ही साथ जोयान की बॉडी में चौथी कोई चेन क्रिएट हो जाती है लेकिन ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी और ये देखकर जोयान थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि उसने देखा था कि ये फोर्थ चेन अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है और अगर फ्यूचर में उसे और कोई चेन्स को क्रिएट करना है तो उसके लिए जो से ओरिजन क्वी की मात्रा चाहिए होगी वो काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी होगी, जिसके बाद वो जेड बोतल पर बचे हुए रेड लिक्विड को देखता है और हेल्पलेस तरीके से स्माइल करता है। ऐसा लगता था कि शायद एल्डरी को भी जॉन की सिचुएशन के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने हर एक तैयारी जॉन के लिए पहले से कर रखी थी, इसलिए जॉन को ज्यादा हेडेक नहीं होती और बचे हुए लिक्विड को भी वो अपनी बॉडी पर तेल की तरह लगा लेता है। और इस बार जो जलन जॉन को फील हुई थी वो पिछली बार से भी तेज थी, जहाँ तक कि जॉन की स्किन के जलने की आवाज कोई भी सुन सकता था और जॉन की बॉडी कांपने लगी थी, लेकिन वो अपनी ओरिजन क्वी को कंटिन्यू अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है और आंखें बंद कर लेता है। साथ ही जॉन की जो ऊपर की बॉडी होती है वो रेड टमाटर जैसी लाल हो गई थी, जैसे कोई जलता हुआ अंगारा हो। और इस टाइम पे फ्लेम मंत्रा के रिफाइनमेंट के साथ ही वो ओरिजन चेन्स के साथ मिक्स होने लगती है और चौथी क्वी चेन क्रिएट होना एक बार फिर से स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही टाइम के अंदर खनखनाने की आवाज के साथ चौथी क्वी चेन भी जॉन की बॉडी के अंदर क्रिएट हो गई थी और ये जोयान के माइंड के कंट्रोल के साथ ही साथ जॉन के एक्यूपंचर पॉइंट में भी एंटर हो रही होती है। आउटर वर्ल्ड पे तो जोयान ने पूरी तरीके से अब दर्द को इग्नोर कर दिया था और इस टाइम पे वो अपने माइंड का यूज करके अपने स्पिरिचुअल पावर से अपनी बॉडी को ही चेक कर रहा होता और अपनी क्वी चेनों को ही देख रहा होता है। और इस टाइम पे अपनी स्ट्रेंथ के साथ जॉन ने देखा था कि फोर्थ क्वी चेन भी पिछली तीन क्वी चेनों की तरह ही है और वो उसकी मेरिडियंस के अंदर एंटर हो चुकी है। और इसके पूरी तरीके से क्रिएट होने के बाद जोयान का ऑरा जो कि रुका हुआ था अचानक ही ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ता है और अब जो ये ऑरा था वो 3-स्टार सावरेन लेवल से स्पीड के साथ बढ़ते हुए आसपास की चीजों को भी उड़ाने लगता है। और इस टाइम पे जॉन ने जो फोर्थ चेन को क्रिएट किया था वो जोयान की बांह जितनी मोटी थी और इस टाइम पे उसके अंदर की जो ओरिजन क्वी थी वो और भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थी, जो देखकर जॉन थोड़ी सा रिलैक्स फील करता है क्योंकि 4-स्टार सावरेन लेवल की पावर के साथ जॉन को पता था कि वो 6-स्टार के वॉरियर के साथ फाइट कर सकता है और एक बार फिर उसकी पावर बढ़ गई थी जो कि काफी स्पीड से हुई थी। हालांकि जोयान अगला स्टेप बढ़ाने ही वाला था कि तभी इथियन चेन जॉन के सामने अपीयर होते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं ये काफी तेज था छोटे साथी, जिससे जॉन तुरंत ही ग्रीट करते हुए कहता है एल्डरी। इस टाइम पे जॉन को पता था कि चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो जाए सामने वाले के लिए वो कुछ भी नहीं है, इसीलिए उन्हें रिस्पेक्ट देना ही सबसे अच्छी चीज थी। साथ ही एल्डर इथियन चेन ने भी जॉन को साफ साफ बता दिया था कि वो उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फिर भी सामने वाला पर्सन कोई छोटा मोटा बंदा तो था नहीं और इस टाइम पे जोयान एक सुप्रीम सेंट लेवल के वॉरियर के साथ रहने में कैपेबल था, ये तो पहले ही उसे खुश करने के लिए काफी था और उनके गाइडेंस के साथ ही साथ उसकी मेहनत कई सौ सालों की मेहनत के बराबर ही थी। इसे एक अच्छा शॉर्टकट माना जा सकता था कि कई सौ सालों का एक्सपीरियंस जोयान को बस बड़ी आसानी से मिल रहा था।
हालांकि इतियांचेन जुआन की तब देखते हुए कहते हैं, मेरा ये भ्रम एरिया यानी कि एल्यूजनरी एरिया डोमेन फॉरेस्ट डोमेन की तरह नहीं है, जहां आप अपने आप को अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि आप 4 स्टार सबरेन लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो आपको अब काफी ज्यादा ओरिजन क्विक की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप 5th स्टार पर ब्रेक थ्रू कर पाए। लेकिन ये अभी भी काफी जल्दबाजी होगा, लेकिन मैं आपको मना करके आपके कल्टीवेशन को भी धीमा नहीं करना चाहता। मैं केवल यही कहूंगा कि आपको अभी कुछ टाइम तक ब्रेक थ्रू करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हालांकि उस टाइम के लिए मैं आपको कुछ मोनार्क स्किल सिखा सकता हूँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर तो जोयान का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और मन कर रहा होता है कि बस एक भंगड़ा डांस हो जाए, जिसके बाद वो दिली दिल में काफी स्माइल करता है, क्योंकि जोयान के पास प्रेजेंट टाइम पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल थी वो हाई रैंक एम्परर स्किल या कि मोनार्क स्किल स्काई स्लिप शिफ्ट थी, फिस्ट थी, और वो भी जो अभी आधी अधूरी ही सीखी थी, और ये हेवनली साइलेंस फिस्ट के 4 पार्ट में से एक थी। हालांकि ये केवल स्टार्टिंग पार्ट था, लेकिन जोयान का स्काई स्लिप फिस्ट जो था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, और साथ ही सबरेन लेवल पर पहुंचने के बाद तो स्काई स्लिप फिस्ट का यूज करना जोयान के लिए काफी आसान हो गया था। और इस टाइम पे जैसे जैसे जोयान की पावर बढ़ती जा रही थी, जोयान के हाथ में मोनार्क स्किल्स की कमी होती जा रही थी, और इस टाइम पे मैजिकल विस्ट और डेमन विस्ट के साथ फाइट करना तो जोयान के लिए फिर भी ठीक था, लेकिन अगर किसी से उसकी ट्रू फाइट हो जाती है तब तो जोयान पूरी तरीके से नुकसान में होता, क्योंकि उसके पास मोनार्क स्किल की कमी होती। इसलिए जब उसने सुना कि इतियान चैन उसे एम्परर स्किल का कोई भी मेथड सिखाने वाले हैं, तो जियान की हार्ट बीट काफी बढ़ गई थी, क्योंकि भाई सामने वाला बंदा सुप्रीम सेंट लेवल का वॉरियर, उसके पास कोई भी नॉर्मल मोनार्च स्किल तो बिल्कुल भी नहीं होगी, और अगर उसके पास नॉर्मल मोनार्च स्किल है भी जो कि उसके लिए नॉर्मल है, तो अगले बंदे के लिए तो वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। और यही सोचकर जोयान की सांसें तेज हो गई थी, जिसके बाद जोयान कहता है, एल्डरी मोनार्क स्किल किस लेवल की है? ये लो ग्रेड की मोनार्क स्किल तो नहीं हो सकती है ना? जिसपे इतियान चैन स्माइल करते हुए कहते हैं, ये मिड ग्रेड मोनार्क आर्ट है। ये सुनकर तो जोयान को काफी बड़ा झटका लगता है, और इसके बाद वो कहता है, एल्डरी एक मिड ग्रेड मोनार्क आर्ट, क्या आप मुझे ये सिखाने वाले हैं? जिसपे इतियान चैन हंसते हुए कहते हैं, ये सबसे अच्छा है कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और एक मिड ग्रेड मोनार्क आर्ट मेरे लिए सिखाने लायक तो नहीं है, लेकिन ये कोई नॉर्मल मिड ग्रेड मोनार्क आर्ट नहीं है, छोटे साथी। जिसे जोयान की धड़कन थोड़ा रिलैक्स फील होती है, जिसके बाद जोयान खांसते हुए कहता है, जिसे जोयान उनसे पूछते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये मोनार्क आर्ट आगे अपग्रेड हो सकती है? जिसपे इतियान चैन थोड़ा सा खांसते हुए कहते हैं, छोटे साथी इतनी दूर भी मत जाओ, भले ही मैं तुम्हें अभी मोनार्क आर्ट दे दूं, क्या आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे? ये मोनार्क स्किल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये लोगों के कल्टीवेशन के लिए नहीं है। जिसपे जियान चौंक जाता कि अगर इसका कल्टीवेशन नहीं कर सकते तो फिर इससे क्या कर सकते हैं। जिसपे इतियान चैन कहते हैं, मैं आपको अगर सही बताऊं तो ये कोई मोनार्क स्किल नहीं है, बल्कि ये एक हिडन टेक्निक है, और आप इसे मोनार्क फ्लेम सीक्रेट स्किल कह सकते हैं, ये सबसे सही रहेगा। जिसपे जियान कहता है, मोनार्क फ्लेम सीक्रेट स्किल, और उसका दिमाग खिल जाता है, और इसके बाद वो इतियान चैन को देखते हुए पूरी तरीके से सदमे में चला गया था, और इसके बाद वो सोचता है कि क्या एल्डरी ऐसा हो सकता है कि ये चीज मोनार्क फ्लेम के कल्टीवेशन के लिए हो। जिसपे इतियान चैन जोयान के हैरान निगाहों के सामने अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, ये सही है, मैंने आपको पहले ही बताया है, मोनार्क फ्लेम इस ग्रेट वर्ल्ड के अंदर होली ऑब्जेक्ट में से एक है, और कोई भी इनके ओरिजिनल पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो इसमें एक ह्यूमन बॉडी है, और ये बॉडी ह्यूमंस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपको कहूं एक ह्यूमन एम्परर फ्लेम को पूरी तरीके से अपनी ट्रू पावर के साथ यूज नहीं कर सकता, और इनका कल्टीवेशन करना कठिन होता है, इसीलिए मोनार्क फ्लेम सीक्रेट स्किल एक मोनार्क स्किल है जो कि इसके कल्टीवेशन के लिए सबसे सुटेबल होती है, और इससे आपका कल्टीवेशन इजी हो जाता है, मतलब यूज करना पावर को इजी हो जाता है। जिसके बाद इतियान चैन कुछ देर रुकते और कहते हैं, जहां तक मैं जानता हूं तो न केवल मोनार्क फ्लेम जैसी डिवाइन और होली ऑब्जेक्ट के पास भी हिडन स्किल होता है, बाकी की 11 डिवाइन होली ऑब्जेक्ट के पास भी अपना एक हिडन टेक्निक है, और इन सब की अपनी अपनी सीक्रेट स्किल है। और इसके बाद इतियान चैन अपने हाथ को बढ़ाकर गोल्डन लाइट के साथ एक रेड स्कारलेट बॉल को क्रिएट करते हैं जो कि फ्लेम से बनी हुई थी। जिसके बाद इतियान चैन कहते हैं कि आपकी जो कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम है वो अभी भी सबरेन लेवल पर है और सबरेन मास्टर लेवल से एक स्टेप दूर है, लेकिन अगर आप मोनार्क फ्लेम सीक्रेट स्किल का कल्टीवेशन करते हैं और उसे सीख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप सबरेन मास्टर लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर सकते हैं। इतियान चैन की बात को सुनकर तो जियान को झटका लगता है, और इसके बाद वो अचानक एक्साइटेड होकर पूछता है, एल्डरी आप इस मोनार्क फ्लेम सीक्रेट स्किल से इतने ज्यादा फैमिलियर हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास भी मोनार्क फ्लेम थी? जिसपे इतियान चैन प्राउडफुली हंसते हैं और इसके बाद कहते हैं, एक एल्केमिस्ट सेंट मास्टर के तौर पर जो कि काफी सारे एरियों में पॉपुलर था, मेरे पास एक मोनार्क फ्लेम कैसे नहीं हो सकती थी छोटे साथी। और इसके बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और तुरंत ही ब्लू वाटर ड्रॉप्स आसपास घूमने लगती हैं, और उन वाटर ड्रॉप्स की अपेयर होते ही जोयान की कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम वो तुरंत ही अपने आप की पावर को थोड़ा सा लो कर लेती है, जैसे कि वो किसी पावरफुल और सुप्रीम लेवल के वॉरियर को ग्रीड कर रही हो। और इस टाइम पे जोयान भी अपने सामने की पानी की बूंदों को काफी सीरियस तरीके से देखता है,
हालांकि वो वाटर ड्रॉप उसके नाखून के बराबर थी, लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी थी, जिसे देखकर तो जोयान का भी दिल कांपने लगा था। इस टाइम पे उस वाटर ड्रॉप से जोयान को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सुनामी उसकी तरफ भागती हुई आ रही हो और अपने रास्ते की हर एक चीज को वो तहस नहस कर देगी। जिसके बाद इथियान चैन बताते हैं, इस मोनार्क फ्लेम को रिफाइनिंग मोनार्क हे थियान यान कहा जाता है और ये फ्लेम रैंकिंग में 24वीं पोजीशन पर है। और ये जो मोनार्क फ्लेम थी वो एबिस में मौजूद थी, यानी पाताल में, और ये जब अपने पीक लेवल पर होती तो एक काफी बड़ी वेब में क्रिएट हो जाती, जो कि दसियों हजारों मीटर लंबी होती और ये जहां से भी गुजरती वहां की हर एक चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देती। और इतना कहने के बाद उस वाटर ड्रॉप को पूरी तरीके से हटा देते हैं। इस टाइम जॉन की आंखें साइन होती है, क्योंकि उसने भी फील किया था कि वो अपने पीक लेवल पर है, लेकिन इसकी इतनी सी ड्रॉप के सामने जॉन काफी हेल्पलेस और पावरलेस फील कर रहा था। साथ ही जॉन ने फील किया था कि इथियान चैन की जब उस टाइम पे फाइट हुई थी तो वो काफी खतरनाक रही होगी, जिसके कारण उनकी मोनार्च फ्लेम भी इतना हैवीली इंजर्ड हो चुकी थी और इस लेवल पर आ चुकी थी। जिसके बाद इथियान चैन खांसते हुए और हंसते हुए कहते हैं, लेकिन थाउजेंड लीफ एशियन टेम्परर फ्लेम जिसने मेरा नाम दुनिया में फैलाया था वो थाउजेंड लीफ एशियन फ्लेम थी। थाउजेंड लीफ एशियन टेम्परर फ्लेम ये मोनार्क फ्लेम रैंकिंग पर 16th पोजीशन पर है और इसकी पावर स्काई और अर्थ दोनों को ही हिलाकर रख सकती है, लेकिन आपकी प्रेजेंट टाइम की पावर काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए मैं आपको इसे देखने नहीं दूंगा। जब उसने इथियान चैन का ये थॉट सुना तो जोयान के तो भाई होशियारे हो गए होते हैं, और इस टाइम पे इथियान चैन की पावर को साबित करने के लिए इतना काफी था कि उनके पास दो मोनार्क फ्लेम थी। और इसके बाद वो उसे पर्सन के बारे में सोचता है जिसने इथियान चैन को मारा होगा, वो कितना स्ट्रॉन्ग ना रहा होगा, क्योंकि आखिरकार इथियान चैन एक सुप्रीम सेंट लेवल के वॉरियर थे और साथ ही साथ सेंट लेवल के अल्केमिस्ट भी थे, तो उनकी स्पिरिचुअल पावर भी काफी खतरनाक थी। इसके बाद उनके पास दो मोनार्क फ्लेम थी और एक इक्वल लेवल के सेंट लेवल के वॉरियर को उनके सामने फाइट करना ये तो पहले ही बेवकूफी थी, क्योंकि वो अपने लेवल से हाई लेवल के वॉरियर के साथ भी लड़ने में कैपेबल रहे होंगे, लेकिन फिर वो मारे कैसे गए। हालांकि इथियान चैन के लास्ट वर्ड ने जॉन को थोड़ा सा मुस्कुरा दिया होता है, क्योंकि जॉन को पता था कि उस बड़ी बैटल में हो सकता है कि उनकी थाउजेंड लीफ एशियंट एम्परर फ्लेम काफी इंजर्ड हो गई हो, यहाँ तक कि उसके फ्लेम एसेंस को की काफी बड़ा झटका लगा हो और वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसीलिए वो शायद उसे नहीं दिखाना चाहते थे। तभी इथियान चैन कहते हैं, उस टाइम पे मैं सिर्फ एक मोनार्क कल्टीवेशन वॉरियर था जब हजार थाउजेंड लीफ एशियन टेम्परर फ्लेम सेंट्रल डोमेन में एक एशियन डेजर्ट में दिखाई दी थी और इसने अपियर होने के बाद खुद को एक पेड़ के साथ जोड़ लिया था जो कि न जाने कितने टाइम से बढ़ रहा था, और उसकी हेल्प के साथ उसने एक दर्जन से भी ज्यादा हेवनली सावरेन लेवल के वॉरियर्स को मार डाला था। साथ ही उसने अनगिनत लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और मेरे सक्सेसफुल होने के दौरान मुझ पर घात लगाकर अटैक किया गया था और मैं लगभग मर ही गया था, लेकिन किस्मत से मोनार्क हेथियान को रिफाइन करने के कारण मेरी बॉडी में थोड़ी सी पावर के साथ मैंने इसे रिफाइन कर लिया था। और इस टाइम वो पास्ट के अपने लाइफ को जोयान के बारे में बताते हैं और इस टाइम पे इथियान चैन की आंखों में डर भी दिखाई दे रहा था, जिससे जोयान फील कर सकता था कि एशियन मोनार्क फ्लेम थाउजेंड लीफ उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कितने खतरों का सामना करना पड़ा था, और ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे सिर्फ कुछ ही शब्दों में बताया जा सके। जिसके बाद वो बताते हैं, हालांकि थाउजेंड लीफ एशियन मोनार्क फ्लेम 16th पोजीशन पर है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, साथ ही मोनार्क फ्लेम रैंकिंग में जो ऊपर की तीन फ्लेम्स है वो तो पहले ही मिथ्स है और कोई भी नहीं जानता कि वो फ्लेम्स कहाँ है। साथ ही चौथी मोनार्क फ्लेम भी काफी लॉन्ग टाइम पहले ही गायब हो गई थी, इसीलिए उन चार फ्लेमों के ना होने के कारण आप थाउजेंड लीफ एशियन फ्लेम को 12वें नंबर पर भी कह ही सकते हैं। इस टाइम पे उन्होंने जल्दबाजी में ऐसा कहा था क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं जोयान उनके फ्लेम को वीक ना समझे, और उनकी बात को सुनकर तो जोयान का दिल भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो वास्तव में एक सुप्रीम सेंट लेवल के वॉरियर कहलाने के लायक थे, क्योंकि इतनी पावरफुल फ्लेम को अपने कंट्रोल में रखना ये कोई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। और जैसा कि उन्होंने कहा कि उनकी थाउजेंड लीफ एशियन फ्लेम अपने पीक लेवल पर हेवनली सावरेन लेवल के एक्सपर्ट को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तभी इथियान चैन कहते हैं, ये मोनार्च फ्लेम सीक्रेट स्किल मेरे द्वारा तब प्राप्त किया गया था जब मैंने हजार थाउजेंड लीफ मोनार्च फायर को प्राप्त किया था, और इसी पावर को पाने के बाद मोनार्च फ्लेम सीक्रेट स्किल भी मुझे मिल गई थी और वो होली स्किल तक पहुंच गई थी। इसके बाद वो कहते हैं, अब जब आप अपनी कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम का उपयोग करें तो आप जितना अधिक कर सकते हैं वो केवल एक मिड ग्रेड मोनार्क आर्ट का ही यूज कर सकते हैं। मतलब कि ये जो फ्लेम आर्ट थी, इस टाइम पे जॉन की जो फ्लेम थी उसकी पावर कम होने के कारण जॉन इंटरमीडिएट लेवल तक ही इस स्किल का यूज कर सकता था, और आगे चल के ये स्किल जॉन की पावर के साथ ही बढ़कर होली लेवल तक भी जा सकती थी। मुझे बताना नोवेल कैसी लग रही, इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं लग रही, क्योंकि इसमें भी फ्लेम्स हैं। इस टाइम पे जॉन भी अपना सिर हिलाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि होली आर्ट सबसे पावरफुल स्किल है मोनार्क स्किल की, और ये काफी स्ट्रांग भी होगी। जो ग्रेट वर्ल्ड था उसमें मोनार्क स्किल्स को दो ग्रेड और छह ग्रेडों में बांटा गया था, जिसमें लोअर ग्रेड मोनार्क आर्ट और मोनार्क स्पेल मोनार्क आर्ट, जिसके बाद हाई रैंक की सेंट टेक्निक। हालांकि जो सेंट टेक्निक होती है वो एक होली ऑब्जेक्ट थी और ये केवल मिथ में ही मौजूद थी। आज तक किसी को भी लो ग्रेड का भी मोनार्क आर्ट काफी ज्यादा था, क्योंकि उसका फ्लेम मंत्र पहले ही लिमिटेशन में था। और इस टाइम पे मोनार्क फ्लेम सीक्रेट स्किल जो कि
इंटरमीडिएट लेवल पर थी, ये भी जॉन के लिए काफी ज्यादा थी। इसलिए जॉन कहता है, एल्डरी मुझे इन सारी चीजों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पे इथियान चैन स्माइल करते हुए जोयान को देखते हैं और कहते हैं, छोटे साथी आप इसे सीख सकते हैं या नहीं, ये आपके और आपकी कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम के बीच की समझ पर डिपेंड करेगा। और इतना कहने के बाद वो कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम को जोयान के पास भेज देते हैं और वो तुरंत ही लिटरली में बदल कर जॉन के कंधे पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो अपने हाथ को फ्लिप करते हैं और एक बिजली के बोल्ट की तरह आग की एक किरण निकलती है जो कि फायर बीस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और वो फायर बीस्ट आदमी जितना लंबा था और भेड़िए और बाघ की तरह लग रहा था, साथ ही उसकी पूरी बॉडी फ्लेम से जल रही होती है। जिसके बाद वो कहते हैं, यही मोनार्क फ्लेम सीक्रेट स्किल है जिसे मैंने तब प्राप्त किया था और इसे व्हील ऑफ फायर दाव कहा जाता है। और नॉर्मल सिचुएशन में मोनार्क फ्लेम सीक्रेट स्किल किसी भी शेप में चेंज हो सकती है और इस टाइम पे ये डिविल बीस्ट के आकार पे है। और मुझे लगता है कि आपकी कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम को इस स्किल को सीखने के लिए इसे रिफाइन करना होगा। और इसके बाद वो उस बीस्ट को देखते हैं जिसपे जॉन भी अपना सिर हिलाता और लिटिली की तरफ देखता है, तो लिटिली भी फायर व्हील के द्वारा बने हुए डेविल बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में तो लालच तैर रहा होता है। और इस टाइम पे जोयान लिटिली की नजरों से सबसे ज्यादा परिचित था कि जब भी वो कोई भी अट्रैक्टिव चीज देखता था तो उसकी आंखें ऐसे ही होती थी। जिसके बाद वो लिटिली के सिर को थपथपाते हुए कहता, लिटिली तुम एक मोनार्च फ्लेम हो, तुम इसे आसानी से स्वेलो कर सकते हो, है ना। जिसपे लिटिली अपना सिर तुरंत हिला देता है और इसके बाद उसका छोटा सा गुलाबी चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। और इसके बाद वो फ्लेम में कन्वर्ट होकर तुरंत ही उस बीस्ट की तरफ भागने लगता है। और इस टाइम पे वो फायर बीस्ट जब मोनार्क फ्लेम को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो उसके दिल में थोड़ा सा डर देखा जा सकता था। हालांकि जब वो लिटिली की पावर को फील करता है तो उसकी आंखों में जो डर था वो गायब हो जाता है। और इसके बाद वो भी अपनी बॉडी पे फ्लेम की लेयर के साथ लिटिली के ऊपर धावा बोल देता है। और इस टाइम पे वो बीस्ट और लिटिली एक दूसरे के ऊपर टकरा गए होते हैं जिससे ब्लास्ट की आवाज चारों तरफ फैल रही होती है और धुआं ही धुआं आसमान में अंदर लपेट लेता है। और इस टाइम पे फायर नेट के अंदर फायर बीस्ट जो कि एक नॉर्मल पर्सन से काफी स्ट्रांग थी, ईथ को अपनी पावर को शो करने का चांस मिल गया था और उसने फायर नेट को क्रिएट करके पूरे ही हेवन और अर्थ को कवर कर लिया होता है और फायर बीस्ट को घेर लिया होता है। और जॉन आखिरकार राहत की सांस लेता है फायर नेट के अंदर उस फायर बीस्ट को ईथ होता हुआ देखकर, जिसके वहां धुआं पे धुआं फैल जाता है और वो फायर बीस्ट दिखाई नहीं देता। साथ ही लिटिली जो कि कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम था वो एक फायर लोटस में कन्वर्ट हो जाता है और उस लोटस के सेंटर पर जो रेड लाइट फ्लो हो रही थी वो धीरे धीरे फूलने लगती है और पूरे ही लोटस के साथ फ्यूज होने लगती है। और उसके पूरी तरीके से लोटस के साथ फ्यूज हो जाने के बाद जोयान के लोटस की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और इस टाइम पे जोयान का वो कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम जो कि लोटस में चेंज हो गया था सूर्य की तरह साइन हो रहा होता है और पूरे ही आसमान को और भी ज्यादा लाइट अप कर दिया था। और इस टाइम पे जोयान जो कि कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम से जुड़ा हुआ था वो भी फील कर सकता था कि इस फ्लेम के अंदर एक अजीब सी ही ताकत लग रही थी, जिससे जोयान काफी सारी चीजों को सोचने लगता है। हालांकि बहुत जल्दी कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम धीरे धीरे वीक हो जाती है और आसमान में छाने वाले लाल बादल भी धीरे धीरे फीके पड़ गए थे, जिसके बाद उसकी मोनार्क फ्लेम क्रिस्टल क्लियर फायर लोटस में कन्वर्ट हो गई होती है और जॉन की बॉडी के अंदर वापस एंटर हो गई होती है। इस टाइम पे अभी कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम ने फ्लेम सीक्रेट स्किल को सेलो कर लिया था और वो शायद इसका कल्टीवेशन करना चाहता था। तभी इथियान चैन सेटिस्फाइड तरीके से सिर हिलाते हुए कहते हैं, आपने इसे सक्सेसफुली सेलो कर लिया है तो आप यहाँ पे धीरे धीरे कल्टीवेशन कर सकते हैं और तब तक वेट कर सकते हैं जब तक कि आप 5 स्टार सावरियन लेवल पर न पहुंच जाएं। टाइम आने पर मैं आपकी फिजिकल पावर को खुद ही फास्ट कर दूंगा। और इसके बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं और एक स्माइल की आवाज वहां रह जाती है। और उनकी बात को सुनकर तो जोयान की हार्ट बीट भी बढ़ गई थी और इस टाइम पे जॉन खुश था कि उसे एक सेंट लेवल के एक्सपर्ट का गाइडेंस मिल रहा था, इसलिए जॉन को कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, बस जो वो कह रहे हैं करते चलो। जिसके बाद जॉन क्रॉस लेग करके बैठता है और कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर ढूंढता है। जिसके बाद जोयान अपनी ओरिजिन कुई में देखता है जहाँ पे इसे रिफाइन किया गया था, तो वो बिल्कुल एक आग के समुद्र की तरह होती है। और वहाँ पे जोयान अपनी बॉडी में 4 कोई चेंज को भी फील कर सकता था जिनकी पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उनके हल्के से हिलने पर मेटल के टकराने जैसी आवाजें आ रही होती हैं और साथ ही इस टाइम पे उसके डेंटियान के ऊपर जॉन का फायर लोटस धीरे धीरे घूम रहा होता है और उसमें एक अजीब सा ही फ्लक्चुएशन निकल रहा होता है। जिसके बाद जोयान को वहाँ पे मैग्मा की एक बहुत बड़ी वर्ल्ड दिखाई देती है। साथ ही वो जोयान अपनी डुईकुई के अंदर ओरिजिन कुई के अंदर ये देख सकता था कि मैग्मा में हल्के हल्के बुलबुले भी छूट रहे थे और वो पूरी तरीके से रेड था, जिसपे जॉन समझ जाता है कि ये जगह उसकी कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम के फायर एसेंस द्वारा बनाई गई होगी। जिसके बाद इस जगह को थोड़ी देर देखने के बाद जॉन अपने मोनार्क फ्लेम के ठिकाने को खोजने लगता है और इस टाइम पे जॉन नहीं जानता था कि उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि तभी एक ब्लैक शैडो काफी स्पीड के साथ जॉन के सामने आ जाती है, जिसे देखकर जॉन थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन वो लिटिली होता है। इस टाइम पे लिटिली अभी भी छोटा सा था और उसकी साइज और बॉडी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी, लेकिन जॉन ने फील किया था कि लिटिली की जो पावर वो इस बार काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही थी। और इस टाइम पे लिटिली जोयान को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और इस टाइम पे लिटिली के फोरहेड पर छोटी सी फ्लेम दिखाई दे रही थी जो कि जोयान के हाथ में आ जाती है और वो फ्लेम कुछ फायर बर्ड में क्रिएट होती है और उन बर्ड को पढ़ते ही वो अपने आप हवा में गायब हो जाते हैं।
इस टाइम पे जॉन ने उन्हें ध्यान से पढ़ा था और काफी सीरियस था, क्योंकि जॉन ने जो चीज पढ़ी थी वो मोनार्च फ्लेम सीक्रेट स्किल की कल्टीवेशन मेथड थी, क्योंकि लिटिली ने पहले ही इसे स्वेलो कर लिया था। तो इस स्किल के जगह पर ही लिटिली कुछ प्रॉब्लम फील कर रहा था और इसे पूरी तरीके से सीख लेने के बाद ही लिटिली और जियोयान सही मायनों में मोनार्च फ्लेम सीक्रेट स्किल सीख पाएंगे। साथ ही लिटिली ने अपने इस फायर स्प्रिट बर्ड में खोजने के लिए अपनी पावर का यूज किया था, लेकिन उसे भी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था, जबकि लिटिली ही इस जगह का ओनर था। इससे कोई भी देख सकता था कि मोनार्च फ्लेम सीक्रेट स्किल कितनी स्ट्रॉन्ग थी। हालांकि तभी जियोयान भी सीरियस होते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ स्प्रेड करने लगता है और आसपास की जगह की जांच करने लगता है। साथ ही लिटिली ने बताया था मोनार्च फ्लेम सीक्रेट स्किल किसी चीज में बदल गई थी, और साथ ही जियोयान को पता था कि यह ईथियन चेन की 1000 लीफ एशियंट मोनार्च फ्लेम से बदली है, तो इसके ज्यादातर चांसेस है कि हो सकता है ये एक लीफ में कन्वर्ट हो गया और खुद को छिपा लिया हो। इस टाइम पे लगभग आधे दिन के बाद जॉन अपनी बंद आंखों को खोलता है और वो पसीने से लथपथ होता है, साथ ही उसके चेहरे पर थकान देखी जा सकती थी। अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर के साथ इस एरिया को ढूंढने के बाद भी जियोयान फ्लेम मोनार्क सीक्रेट स्किल को नहीं खोज पाया था, जिसे जॉन भी थोड़ा सा सरप्राइज फील करता है। जिसके बाद जॉन कहता है क्या वो लिटिली की बॉडी के अंदर स्वेलो नहीं हो गया था, और लिटिली की आंखें उनमें अचानक ही आग निकलने लगती है और वो जहाँ खड़ा था वहाँ से गायब होकर उस लीफ के पास पहुँच जाता है, और इसके बाद उसके छोटे से हाथ से तुरंत ही फ्लेम निकलकर उस लीफ के चारों तरफ लिपट जाती है, और इसके बाद वो काफी एक्साइटेड तरीके से उस लीफ को स्वेलो कर लेता है, और इसके बाद वो गोल्डन लाइटिंग अचानक ही एक लाइव बीस्ट में बदल जाती है, और इसके बाद वहां से गायब हो जाती है और वो क्लाउड भी उस जगह से गायब हो जाते हैं। और उस लाइटिंग को गायब होता देखकर जॉन के चेहरे का सदमा भी गायब हो जाता है, और इसके बाद जॉन याद करता है कि 9 प्रोफाइंड गोल्डन थंडर को तो लिटिली ने पहले ही स्वेलो कर लिया था, इसलिए कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम के फ्लेम एसेंस में एंटर करना उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं था, वो भी अब लिटिली की बॉडी का ही पार्ट था। और इसके बाद जॉन थोड़ा सा खुश होता है और बस लिटिली को देख रहा होता है कि वो इस स्किल को कब तक रिफाइन कर पाएगा। हालांकि ये केवल मिड ग्रेड की स्किल थी, लेकिन इसके लिए पहले से ही कुछ भी कहना सही नहीं होगा। जॉन को इतना जरूर पता था कि इसे रिफाइन करने के बाद लिटिली की पावर एक बार फिर से जरूर बढ़ेगी और इसका प्रॉफिट उसे भी होगा। इस टाइम पे लगभग एक दिन तक जियोयान इंतजार करता है, और जियोयान की बॉडी के अंदर उस लावा के अंदर दिनों रात नहीं हो रहे थे, इसलिए जॉन केवल अंदाजा ही लगा सकता था। हालांकि जब दिन समाप्त होने वाला था तो जॉन की बॉडी से अचानक एक मिस्टीरियस क्वी रिलीज होती है, जो कि कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम की क्वी थी, जो कि जॉन के दिमाग के साथ कनेक्ट थी। वो तुरंत ही एक बार बढ़ जाती है, जो देखकर जॉन समझ जाता है कि लिटिली ने इसे रिफाइन कर लिया, और वो कहता है सक्सेसफुल। और इसके बाद ईथियन चेन ने उसे जो बताया था उसी फॉर्मेशन का जॉन प्रैक्टिस करता है और एक सील को क्रिएट करने लगता है। साथ ही जॉन ने फील किया था कि कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम के साथ उसका जो रिलेशन था वो और भी ज्यादा गहरा हो गया था। उसी टाइम पे कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम जॉन की बॉडी के अंदर और भी अधिक छिपी हुई जगह पर एंटर हो जाती है, और इस टाइम पे जॉन कहता है फायर व्हील दाओ, और उसके हाथ की फॉर्मेशन बदल जाती है। और इस टाइम पे जॉन जानता था कि यह केवल पहला स्टेप होना चाहिए था, जिसपे उसने अपनी फ्लेम के साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। अब दूसरा स्टेप था मोनार्क फ्लेम की पावर को यूज करना, जिसके बाद जॉन अपनी 10 उंगलियों से एक बार फिर से कुछ फॉर्मेशंस को बनाता है और एक आफ्टर इमेज को पीछे छोड़ देता है। साथ ही जो फॉर्मेशन थी और भी ज्यादा हार्ड पे हार्ड होती जा रही थी, लेकिन जॉन बिना किसी प्रॉब्लम के उनका यूज करने में कैपेबल था। और जिस क्षण जियोयान इस पूरे ही सील को परफॉर्म करता है, तो जियोयान की जो क्वी पावर होती है वो आसमान को छू गई होती है, और उसी टाइम पे मोनार्क फ्लेम उसकी बॉडी से बाहर निकलती है और जियोयान की बॉडी के चारों तरफ लिपट जाती है। और इस टाइम पे तो जियोयान एक फायरमैन लग रहा होता है, जिसके बाद जियोयान कहता है 5, 6, 7, और जियोयान का जो ऑरा था पागलों की तरह बढ़ता है और हद को पार कर गया होता है। और इस टाइम पे जॉन का जो ऑरा फूट पड़ा था वो आसपास की जगह को क्रैक कर रहा होता है, और आउटर वर्ल्ड में तो जहाँ पे जॉन बैठा था वहाँ के काफी सारे पेड़ डिस्ट्रॉय हो गए थे। और इसके बाद जॉन का ऑरा बढ़ते हुए 8 स्टार सावरेन वॉरियर पर रुक जाता है, और इस टाइम पे जॉन 8 स्टार के पीक लेवल पर था। और 8 लेवल के पीक लेवल पर पहुंचने के बाद जॉन अपनी बॉडी को हल्का मूवमेंट करता है और हड्डियों के टूटने की आवाज वो सुन सकता था, जो कि पटाखे की तरह फूट रही थी। जिसके बाद जॉन कहता कितनी पावरफुल पावर है। इस टाइम पे वो अपनी ओरिजन क्वी को फील कर सकता था, और ओरिजन क्वी को फील कर सकता था जो कि कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम की पावर के कारण और भी ज्यादा कंडेंस और स्ट्रांग हो गई थी। इस टाइम पे जॉन ये भी फील कर सकता कि प्रेजेंट टाइम पे वो लगभग 9 स्टार पीक लेवल के वॉरियर के साथ भी फाइट कर सकता है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही अपने पैर को हिलाकर एक पंच क्रिएट करता है और बाहर फेंकता है, तो मिस्टीरियस पावर के साथ उसका अटैक काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और खतरनाक था। इस टाइम पे जॉन की जो मोनार्च फ्लेम सीक्रेट स्किल थी उसका इफेक्ट जॉन के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के जैसा ही था। साथ ही इस टाइम पे जॉन इसका यूज करने के लिए मोनार्च फ्लेम की पावर को यूज कर रहा था, इसीलिए वो इसे लॉन्ग टाइम तक बना के रख सकता था। और इस टाइम पे जॉन जानता था कि जितनी ज्यादा उसकी पावर और मोनार्क फ्लेम की पावर बढ़ेगी, इस स्किल की पावर भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, और ये अलग लेवल पर पहुंचती जाएगी, और इसे भी उसके फ्लेम मंत्र की तरह स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और अपग्रेड किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम पे उसकी मोनार्क फ्लेम सीक्रेट स्किल इंटरमीडिएट लेवल में थी, और इसका यूज करने पर जियोयान की पावर आसमान को छू गई थी, और इसे जॉन काफी सेटिस्फाइड दिखाई दे रहा था कि उसकी पावर 8 स्टार तक बढ़ गई थी। साथ ही जॉन को पता था फ्यूचर में ये मोनार्क के स्पेल मोनार्क आर्ट यहाँ तक कि मोनार्क सेंट लेवल तक भी अपग्रेड हो सकता था,
और इसके बाद तो ये आसमान और धरती को भी हिला सकता था। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना। बाय बाय थ्री एंड फैमिली।